गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टेंस हैज़ डिस्कस्ड. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट पास्ट टेंस. फर्स्ट इज सिंपल पास्ट टेंस. बट अ सिंपल पास्ट टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड पास्ट इनडेफिनिट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस बेटा, सिंपल पास्ट टेंस का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? जब हमारा कोई एक्शन जो है वो पास्ट में कंप्लीट हो गया हुआ है. जो हमारा एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया है उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. बेटा दिस इज़ वेरी यूजफुल एंड ईजी टेंस. ओके, फर्स्टली सी द रूल्स. अफर्मेटिव सेंटेंसेस. इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस द रूल्स आर सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. बेटा वेदर आर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और वेदर इज प्लूरल, वी यूज सेकेंड फॉर्म ओनली विद ऑल. चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हमने सेकेंड फॉर्म का ही यूज़ करना है यहाँ पे. जैसे आई प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट. देन वी प्लेड क्रिकेट, दे प्लेड क्रिकेट, यू प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, शी प्लेड क्रिकेट. यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और यहाँ पे प्लूरल है. सभी के साथ हमने क्या यूज़ करना है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. देन नेगेटिव. नेगेटिव में कितना क्या आना है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. बेटा यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करना है प्लस फर्स्ट फॉर्म. ओके, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट. डिड सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब आना है, वो डिड. और किसी हेल्पिंग वर्ब का आपने यूज़ नहीं करना, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, आपने डिड का ही यूज़ करना है. आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट. इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस डिड सबसे फर्स्टली डिड, देन सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क. ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क. बेटा डिड आई प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क. ओके बेटा, जैसे आप क्वेश्चन आंसर देखते हो ना, क्वेश्चंस में डिड दिया होता है और साथ में फर्स्ट फॉर्म होती है, और जब हम आंसर लिखते हैं तब हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं. तो यही है कि यहाँ पे इंटरोगेटिव में क्वेश्चंस हैं और जब आप इंटरोगेटिव का अफर्मेटिव बनाओगे तब आपने सेकंड फॉर्म कर देनी है ना. तो ये क्वेश्चन डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है. वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म विद डिड हेल्पिंग वर्ब. ओके, डिड आई प्ले क्रिकेट, डिड शी प्ले क्रिकेट, डिड यू प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क. ओके, नेक्स्ट यूजेज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. फर्स्ट इज टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट और एट अ स्पेसिफाइड टाइम और द टाइम इज ईजली अंडरस्टूड. बेटा पास्ट मीन्स जो टाइम बीत गया है. ओके बेटा, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में जो किया है, जो एक्शन हमने कंप्लीट किया है किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, मीन्स कि कल, परसों, टू इयर्स एगो, दो साल पहले ना, जो हमने एक्शन किसी पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट किया है, जो एक्शन किसी पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हुआ है. सपोज़ बेटा आपके दिमाग में यस्टरडे के बारे में कुछ चल रहा है, ठीक है, और सपोज़ आपको फोर इयर्स एगो कुछ हुआ था वो भी आपके दिमाग में चल रहा है. नाउ यू वॉन्ट टू शेयर ऑल दीज थिंग्स विद योर फ्रेंड्स, है ना. तो आपने ये सारी बातें बताने के लिए जो आपके साथ पास्ट में हुआ था, जो आपके जो टाइम बीत गया तब हुआ था, तो आपने ये सारी चीज़ें जो है अपने फ्रेंड्स का डिस्कस करने के लिए आपने सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करना है. ओके, जब भी आपने कोई अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आपने किस कौन से टेंस का यूज़ करना है? पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस. बेटा सिंपल पास्ट टेंस में क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना. जो बेटा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है इट रिप्रेजेंट पास्ट एक्शन, वो हमारे पास्ट एक्शन को रिप्रेजेंट करती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई डिड दिस वर्क अ वीक अगो, है ना. अब यहाँ पे देखो बेटा पर्टिकुलर टाइम गिवन है, स्पेसिफाइड टाइम दिया हुआ है, और यहाँ पे जो हमारा एक्शन है इट हैज़ फिनिश्ड. आई डिड दिस वर्क. नाउ बेटा द वर्क इज फिनिश्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम, है ना. तो डिड इज सेकेंड फॉर्म हेयर, डू डिड डन, है ना. डिड इज सेकेंड फॉर्म और जो हमारा एक्शन है वो पर्टिकुलर टाइम में हमारा फिनिश हो गया हुआ है यहाँ पे. क्लियर. She left school last year. अब यहाँ पे भी जो है द वर्क इज़ फिनिश्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ स्पेसिफाइड टाइम.
बेटा लेफ्ट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ लीव, लीव इज फर्स्ट फॉर्म एंड लेफ्ट इज सेकेंड फॉर्म. बेटा सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू शो डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम. डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम बेटा डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम शोज बाय दीज वर्ड्स लाइक सिंस, अर्लियर, एगो, बैक, बिफोर, yesterday, etc. Okay, you can see all the words show the work is now finished. Just earlier, since, ago, back, before. These words show the work is now finished. Na? Abita, what is the difference between simple past and present perfect? See these two examples. I have finished my work. This is example of present perfect tense. I finished my work yesterday. This is example of simple past tense. Point of time is here. Time is given, na? And second form of verb is here. So this is simple past tense. और यहाँ पे क्या है? Has और have का use करते हैं present perfect में plus third form of verb. तो यहाँ पे have और third form given है. तो this is present perfect tense. जो बेटा मेरी first example है, इसमें भी जो action है वो past में complete हुआ है. और सेकंड में भी जो एक्शन है वो पास्ट में कंप्लीट हुआ है. बेटा अब सेकंड में भी एक्शन गिवन है, सेकंड में भी एक्शन पास्ट में कंप्लीट है और फर्स्ट में भी. एक्चुअली बेटा व्हेन वी यूज पॉइंट ऑफ टाइम टाइम विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देन इट बिकम सिंपल पास्ट. कि जैसे हम यहाँ पे पास्ट में एक्शन फिनिश था तो मैंने इसके साथ यहाँ पे टाइम नहीं गिवन, अब यहाँ पे मैंने टाइम बता दिया हो यहाँ पे. तो जब हम पॉइंट ऑफ टाइम में बता देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में तो देन इट बिकम सिंपल पास्ट, तो वो हमारा सिंपल पास्ट बन जाता है. जैसे सिंपल पास्ट कैसे प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम तो सिंपल पास्ट आ गया. अगर सिर्फ हमारा पास्ट एक्सपीरियंस बताया गया है तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना है. बट जब यहाँ पे टाइम भी गिवन है, पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है, देन ये क्या कौन सा टेंस हमने यूज़ करना है यहाँ पे? सिंपल पास्ट टेंस. ओके, द पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स वेन द एक्शन टेक्स प्लेस. कि हमारा एक्शन कब हुआ था? यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, टू ईयर्स एगो, है ना. इट मीन्स द पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स वेन दैट एक्शन टेक्स प्लेस. ओके, सी द एग्जाम्पल बेटा. आई हैव मेट योर ब्रदर यस्टरडे. बेटा यू सी यस्टरडे इज पॉइंट ऑफ टाइम, सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, है ना. आई हैव यूज टू हैव हियर, मैंने हैव का यूज़ किया यहाँ पे, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है. जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है वहाँ पे तो हमने हैव का यूज़ ही नहीं करना, वहाँ पे तो हमने क्या यूज़ करना है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना. तो ये दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, ये हमारा रॉन्ग सेंटेंस है. आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट सेंटेंस. क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है, अगर तो पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है तो हमने क्या लगाना है? सिर्फ सेकेंड फॉर्म लगानी है. ठीक है, अगर यहाँ पे यस्टरडे नहीं होता तो फिर ये मेरा सेंटेंस बना था, आई हैव मेट योर ब्रदर. ओके, आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे. अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है तो क्या आना है? आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे, दिस इज करेक्ट सेंटेंस. शी हैज़ बॉट अ कार टू ईयर्स एगो. अब यहाँ पे बेटा पॉइंट टू ईयर्स एगो, पॉइंट ऑफ टाइम इज गिवन है ना, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, टाइम पर्टिकुलर टाइम गिवन है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है? ओनली सेकेंड फॉर्म. तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस. शी बॉट अ कार टू ईयर्स एगो, दिस इज करेक्ट सेंटेंस. ओके, बिकॉज टाइम इज मैंशनड हियर सो इट शुड बी इन सिंपल पास्ट. ओके, शी बॉट अ कार, बॉट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब बेटा. एंड द मेन यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस इज टू शो एंड वर्क दैट कंप्लीटेड इन द पास्ट. ओके, नेक्स्ट इज दिस टेंस इज यूज फॉर अ पास्ट हैबिट. बेटा जो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है वो हम पास्ट हैबिट बताने के लिए भी यूज करते हैं. पास्ट हैबिट बेटा जो है हमारी है वो इट इंडिकेट्स बाय फ्यू वर्ड्स लाइक ऑफन, सेल्डम, यूजली, नॉर्मली, जनरली, ओकेजनली, समटाइम्स, नेवर, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, डेली, यूज टू, एटसेट्रा. बेटा दीज वर्ड शो द पास्ट हैबिट. ओके, बेटा पास्ट में कुछ हैबिट बन गई थी हमारी, मैं पहले वहाँ जाता था, मैं ये करता था,
आप पास्ट हैबिट को दिखा रहे हो कि ऐसा पास्ट में होता था, अब नहीं है, अपनी पास्ट हैबिट बता रहे हो। हैबिट बताने के लिए हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। व्हेन आई वाज इन दिल्ली आई ऑलवेज गॉट अप एट 5 o'clock एंड वेंट फॉर अ वॉक। अब यहाँ पे बेटा पास्ट हैबिट बता रहे हो आप कि जब मैं दिल्ली में था, आई ऑलवेज गॉट अप एट 5 o'clock, है ना, एंड वेंट फॉर अ वॉक, दिस इज योर पास्ट हैबिट। तो पास्ट हैबिट को बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट इज फॉर अ शॉर्ट इवेंट और एक्शन दैट कम्स और फॉलोज वन आफ्टर द अदर। कोई बेटा आप शॉर्ट इवेंट बता रहे हो, शॉर्ट इवेंट के बाद एक फिर आप दूसरा इवेंट बताते हो कि वी लुक्ड लेफ्ट, जैसे फॉर एग्जांपल वी लुक्ड लेफ्ट एंड वी लुक्ड राइट, ना, पहले आपने एक इवेंट बताया, साथ में दूसरा छोटा शॉर्ट इवेंट बता दिया, देन वी क्रॉस द रोड। तो इस ऐसे सेंटेंसेस में के लिए भी हम कौन सा यूज़ करते हैं, वी यूज सिंपल पास्ट टेंस। ओके, टू टॉक अबाउट समवन हु हैज़ डाइड, जिसकी डेथ हो गई है उसके बारे में बताने के लिए भी हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं, ही लेफ्ट ऑल हिज मनी टू चैरिटी। क्लियर, थैंक यू बेटा।